नमस्कार, नारद मुनि ज्ञानी घुमक्कड़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर हैं, जो कि हरिद्वार का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। इसे ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है। हर की पौड़ी का शाब्दिक अर्थ है हरि यानी कि नारायण यानी कि भगवान विष्णु, और पौड़ी का अर्थ है पैर यानी कि भगवान विष्णु के पैर। यहाँ भगवान विष्णु के पैरों के पदचिन्ह भी हैं, जिन्हें यहाँ आने वाले दर्शनार्थी दर्शन करते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत की कुछ बूंदें यहाँ हरिद्वार के हर की पौड़ी में भी गिरी थी, जिसके कारण यहाँ हर 12वें साल महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हरिद्वार में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही देवताओं का आगमन हुआ है। हर की पौड़ी के घाट की सीढ़ियों का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। यह उन्होंने अपने भाई भृतहरि की याद में करवाया था। भृतहरि लंबे समय तक यहां गंगा घाट पे बैठकर घंटों तपस्या किया करते थे, ऐसा कहा जाता है। यहां घाट पर ही राजा बिरला टावर है, जो कि एक घंटा घर है, और ये यहाँ के घाटों की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। हर की पौड़ी आने वाला हर श्रद्धालु बिना स्नान किए यहाँ से नहीं जाता। यहाँ नदी में स्नान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ नदी का बहाव बहुत ही तेज है। तो यहाँ घाट के किनारे जंजीर लगे हुए हैं लोहे के, जिन्हें आप पकड़ के स्नान करें, और अगर यदि आपको तैरना आता है तो ही आप ज़्यादा दूर तक जाएं, नहीं तो आप किनारे ही नहा के निकल जाएं। यहाँ माँ गंगा का पानी इतना ठंडा है कि आपको नहाने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है, लेकिन एक बार अगर आप पूरी तरह से भीग जाएं पानी में और थोड़ी देर तक भीगे रहें 5-10 मिनट, तो फिर आपको ठंड लगनी कम हो जाती है या ना के बराबर लगती है। उसके बाद आपको स्नान करने में आनंद आने लगेगा। यहाँ महिलाओं के लिए एक विशेष घाट है, जिसे महिला घाट कहा जाता है। यहाँ केवल महिलाएं स्नान करती हैं। आप जो मुझे यहाँ पे तेज धार में तैरता हुआ देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि मुझे बहुत अच्छे से तैरना आता है, इसलिए मैं इस तरह का रिस्क ले रहा हूँ। लेकिन अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप दूर तक ना जाएं, क्योंकि यहाँ पानी का बहाव बहुत ही तेज है। यहाँ स्नान के बाद लोग गंगा जल घर ले जाना बिल्कुल नहीं भूलते, तो आप भी यहाँ से गंगा जल लेके घर जरूर जाएं। यहाँ बहुत से लोग मुंडन और उपनयन संस्कार करने के लिए भी आते हैं, और सावन के महीने में तो यहाँ के घाट के एकदम नजारे देखते ही बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु सावन की यात्रा की शुरुआत यहीं से गंगा जल लेकर के करते हैं। यहाँ रोज शाम को सूर्यास्त के समय गंगा आरती का आयोजन किया जाता है, जिसे देखना एक दूसरी ही दुनिया में जाने जैसा है। इतनी भव्य और खूबसूरत आरती आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। आरती देखने के लिए यदि आप बिरला टावर की तरफ बैठ करके अगर आप आरती देखेंगे तो वहाँ से सबसे खूबसूरत नज़ारा आता है, लेकिन आपको वहाँ समय से पहले पहुँचना होगा, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ होती है आरती देखने के लिए जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप समय से पहले पहुँचेंगे तो ही आप ठीक से आरती देख पाएंगे, नहीं तो आपको किनारे कहीं खड़े होकर के देखना पड़ेगा। आरती के बाद बहुत से लोग माँ गंगा में दीपदान करते हैं, तो उस समय का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत होता है। तो बिना हर की पौड़ी आए आपके हरिद्वार की यात्रा बिल्कुल अधूरी है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमारा सफ़र आगे भी जारी है। नमस्कार।